हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर प्लांट किंगडम पढ़ाने जा रही हूँ। प्लांट किंगडम की जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस है, फिर जो भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, जो हम भूल जाते हैं, मैं आपको सिर्फ वही बताऊँगी। कि चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है, आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, और आपको पहले इसको यूज़ करने से पहले चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा और उसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी MCQs वगैरह होंगे। देन उसके बाद फॉर रिविजन लास्ट मिनट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम प्रेजेंट में हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, टीमोटैक्सोनॉमी, ये सब भी यूज करते हैं। एल्गी, एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। हाइड्रोकोलाइट्स एग्जांपल एल्जिन, ब्राउन एल्गी, कैरेजिन, रेड एल्गी। अगर अगर बनता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, इसका यूज होता है स्क्रीन में, क्लोरेला सॉरी। ये होती है यूनिसेलुलर एल्गी, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसको यूज़ करते हैं। स्पेस ट्रेवलर एल्गी तीन तरीके की होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। जो टेबल हम लोग को गिवन है 3.1 बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको पूरा पूरा देख लीजिएगा NCERT से। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो कई बार आ चुकी हैं नीट के एग्जाम में, फिर हमारी कोचिंग्स के एग्जाम में, मैं वो आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी इज रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए बी, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजैंथिन, और रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। ग्रीन एल्गी में फूड कैसे स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ब्राउन एल्गी में मैंटोल एंड लैमिनारिन, रेड एल्गी में एज फ्लोरिडियन स्टार्च। नॉन नेक्स्ट सब टॉपिक इज ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडियम, दे प्रोड्यूस बायोफ्रेजिलेट एंथ्रोजोइड्स। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। स्पोरोफाइट नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स। ब्रायोफाइट्स का एक टाइप है लिवरवर्ट, इसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय गेमे। गेमे क्या होते हैं? ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमे कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। मॉसेस, फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज। मॉसेस में फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज। सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स। नाउ नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में इफ सिमिलर काइंड ऑफ, सॉरी स्पेलिंग गलत है, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोस्पोरस। ये किस पे पाया जाता है? जनरा सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया में। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। और नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स होती हैं वो हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड को सह लेती हैं। नीडल लाइक लीव्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं रिड्यूस सरफेस एरिया। थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स चैप्टर में, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजियो retained on the sporophytes. Now next subtopic is angiosperms. इसमें जो वोल्फिया होता है वो माइक्रोस्कोपिक एंड यूकेलिप्टस टॉल ट्री अप्रॉक्स 100 meter तक के होते हैं ये। Now last subtopic is plant life cycle and alternation of generation. इसमें haplontic, किसमें होता है haplontic life cycle, many algae and example volvox, spirogyra and some species of chlamydomonas. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, केल्प्स। फाइनल चैप्टर आपका हो गया है, आप इसको रिविजन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप पहले अपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा NCERT से भी, देन फॉर लास्ट रिविजन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।